येन धौता गिरह पुंसा दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः अयमान्याः विद्वांसः व्याकरणानुरागिणः तत्र होतां समेषां वर्तते स्वागतं अस्यां कक्षायां सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते अद्य वर्ण्य विषय वर्तते अतिलक्ष्मीः इति शब्दः इतः प्राक् बहुश्रेयसी शब्दं यावत् अस्माभिः सम्यक् रूपेण पाठितम् अद्य चर्चां कुर्मः अतिलक्ष्मीः इति ईकारान्तः कश्चित् शब्दः लक्ष्मी इति शब्दस्य सिद्धिर्कथं भवति तर्हि उणादौ सूत्रमेकं वर्तते लक्षेर्मुठ् ई च लक्षधातोः ई प्रत्यये मुडागमश्च कृते सति लक्ष्मी इति शब्दः दीर्घ ईकारान्तः निष्पद्यते लक्ष्मीम् अतिक्रान्तः इति अतिलक्ष्मीः लक्ष्मी शब्दः वस्तुतः स्त्रीलिङ्गः वर्तते परन्तु अति उपसर्गेण सह अतिना सह यदा प्रादिसमासः भवति अत्यादय क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया तदा अयं शब्दः पुल्लिङ्गे समायाति अतिलक्ष्मीः लक्ष्मीम् अतिक्रान्तः कश्चित् पुरुषविशेषः सः अतिलक्ष्मीः अत्र अतिलक्ष्मी इत्यत्र लक्ष्मीशब्दः गौणभूतः जातः उपसर्जनत्वम् आयाति अतः स्त्रीत्वम् अत्र नास्ति पुस्त्वं च समासानन्तरं समायाति अतिलक्ष्मीः इति शब्दः अत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वा कथं न भवति इति काचित् जिज्ञासा भवतां मनसि भवितुम् अर्हति परन्तु गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र यद् उपसर्जनत्वं स्वीक्रियते तदुपसर्जनत्वं शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् अस्ति उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं च लक्ष्मीशब्दः स्त्रीलिङ्गः वर्तते परन्तु स्त्रीप्रत्ययान्तः नास्ति नात्र नीप् नीस् नीन् प्रत्ययाः समभवन् अतः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन अत्र ह्रस्वः न भवति अत्र लौकिकम् उपसर्जनं वर्तते शास्त्रीयम् उपसर्जनं नास्ति अतः कृत्रिम हाँ सत्यम कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कारी संप्रत्ययः खलु अत्र शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं नास्ति अपितु लौकिकम् उपसर्जनत्वं वर्तते अर्थकृतम् उपसर्जनत्वं लक्ष्मीम् अतिक्रान्तः कश्चित् पुरुषविशेषः अतः अत्र अतिलक्ष्मी इत्यत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन उपसर्जनत्वं न भवति उपसर्जनत्वमेव नास्ति प्रथमानिर्दिष्टं समासमुपसर्जनं वस्तुतः शास्त्रीयम् उपसर्जनं किं प्रथमानिर्दिष्टं समासमुपसर्जनम् अतः अथ च
उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्र में तद वर्तते अनेन सूत्रेण शास्त्रीय उपसर्जनत्वं स्वीक्रियते अथ च तत्र गोस्त्रीय उपसर्जनस्य इत्यत्र उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च स्त्री प्रत्ययांत होना चाहिए। लक्ष्मी शब्द स्त्री प्रत्ययांत नहीं है, अतः उपसर्जनत्वाभावात् शास्त्रीयोपसर्जनत्वाभावात् नात्र गोस्त्रीयोपसर्जनस्य गोस्त्रीयोपसर्जनः तत्र गोस्त्रीयोपसर्जनस्य तेन सूत्रेण ह्रस्वत्वं न भवति। अतः अतिलक्ष्मीः इति दीर्घीकारान्तः कश्चित् शब्दः वर्तते, अयं च शब्दः नदीसंज्ञकः अस्ति। युस्त्याख्यौ नदी इत्यनेन नदी संज्ञा बहुश्रेयसी इति शब्दस्य यथा भवति तद्वत् अत्र प्रथम लिंग ग्रहणं च इत्यनेन वार्तिकेन अत्र नदीत्वम् आयाति। प्रथम लिंग ग्रहणं च इदानीं पुष्पम् अस्ति परंतु पूर्वं लक्ष्मी शब्दः स्त्रीलिङ्गः अस्ति, यथा बहुश्रेयसी इति शब्दे या स्थितिः वर्तते सा एव स्थितिः अतिलक्ष्मीः इति शब्दस्य अप्यस्ति। अतः अतिलक्ष्मी इति शब्दस्य रूपाण्यपि बहुश्रेयसी शब्दवत् भवेत् भवितव्यं भवन्ति भवितव्यम् एव न अपि तु भवन्त्येव। केवलं प्रथमैकवचने अत्र हल्म्यादिना श्लोपो न भवति ण्यन्तत्वाभावात्, अत एव ग्रन्थकारः मूले सुस्पष्टतया लिखति अण्यन्तत्वान् न सुलोपः, एषा पंक्तिः तत्र लिखिता वर्तते मूले सिद्धान्तकौमुद्याम्। अण्यन्तत्वात् न सुलोपः, बहुश्रेयसी इत्यत्र तु सुलोपः भवति, तत्र उवितश्चेत्यनेन सूत्रेण नीस् प्रत्ययः भवति, तत्र इयसुन् प्रत्ययो भवति, उवित्वाच्च उवितश्चेत्यनेन सूत्रेण नीस् प्रत्यये कृते सति ण्यन्तत्वात् परत्वात् तत्र हल्न्यादिना हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण तत्र तु सुलोपः जायते। परन्तु अतिलक्ष्मी इत्यत्र प्रथमैकवचने ऋत्विसर्गः भविष्यति विश्वपा इतिवत्, विश्वपाः इति प्रथमैकवचने तत्र ऋत्विसर्गः यथा भवति तद्वत् अत्रापि दीर्घीकारान्तः अतिलक्ष्मीशब्दः, ततः यदा प्रथमैकवचने सूत्पत्तिर्क्रियते तदा तत्र हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् प्रक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण अत्र सुलोपो न भवति इति काचित् सामान्या चर्चा भवद्भिः अवश्यमेव अवगन्तव्या। शनैः शनैः अस्माभिः पाठ्यते यतोहि समग्रपदार्थावगतिः भवेदिति अस्याः कक्षायाः अस्ति कश्चित् महान् तत्र महदिदं चिन्तनम् अत्र अस्ति, महान् तत्र सिद्धान्तविशेषः अस्माभिः स्वीकृतः सङ्कल्पः कृतः यत् अवश्यमेव तत्र सावधानेन चेतसा और बल्कि हिंदी भाषा में जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें, तो अतिलक्ष्मी ही ये प्रथमिक वचन में प्रयोग बना। और जब हम औ विभक्ति लाएंगे तो अतिलक्ष्मी अग्रे औ, यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पष्ट है कोई नीचे से ऋण प्राप्त है और प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्रेण अत्र पुरुषवर्ण दीर्घः
प्राप्नोति, परंतु दीर्घा जसि इचि च परे न पुरश्रवण दीर्घ। यहाँ दीर्घ है लक्ष्मी अतिलक्ष्मी और उससे इच पर में है औ, तो यहाँ पुरश्रवण दीर्घ कैसे होगा। अतः एकोणची को बाद करके प्रथम पुरश्रवण सूत्र की प्रवृत्ति जो हमें दिखाई दे रही है उसी स्थिति में दीर्घाजस्य सूत्र के द्वारा प्रथम पुरश्रवण सूत्र का ही बाद कर लिया जाता है, वह एकोणची सूत्र को बाद नहीं पाता। अतः एकोणची सूत्र छूट जाता है और वह आकर के यण कर देता है तो अति लक्ष्मी ये प्रथमा के द्विवचन में रूप बन जाता है। जस विभक्ति में क्या होगा, जस विभक्ति में भी यही स्थिति होगी, अति लक्ष्मी यण हो जाएगा, अति लक्ष्मी हम विभक्ति लाएंगे तो यहाँ दीर्घ जैसे सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा पुरुषोण दीर्घ का, यहां भी पुरुषोण दीर्घ प्राप्त होता है परंतु यहाँ कोई निषेध करने वाला नहीं है, अतः वह बिल्कुल अच्छी तरह से एकोणची को निपटा देता है, एकोणची सूत्र को लगने नहीं देता और प्रथम पुरुषोण है पुरुषोण दीर्घ होकर के अधिलक्ष्मी यहां पर फिर दीर्घ दृश्य आ जाएगा और सस परे रहते प्रथम पुरुषोण सूत्र आएगा पुरुषोण दीर्घ हो जाएगा तस्मात छसो नपुंस से सस के सकार को नकार हो जाएगा तो अति लक्ष्मी। तृतीया के एकवचन में आएंगे तो एकोणची से ऋण हो जाएगा और कोई हो चुकी है किससे, वार्तिक से, प्रथम लिंग ग्रहणम च, यह वार्तिक है तो नदी संज्ञा हो जाएगी तो आटश्च सूत्र आएगा, आटश्च सूत्र वृद्धि करता है, उससे पहले आट का आगम तो करो, आण नद्याः नद्यन्तात् परेषां नीताम् आण आगमः, नद्यंत से परे होने के कारण नित विभक्ति को आठ का आगम तित होने के कारण आदि में होता है आदिन्तु तितितु सूत्र परिभाषा सूत्र के अनुसार, अतः अतिलक्ष्मी आ ए ऐसी स्थिति बनती है, आ और ए में आठश्च सूत्र से वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने के बाद इकोणिची से यण होता है तो अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्मी भ्याम अतिलक्ष्मी भ्या, ऐसे ही नस विभक्ति पर रहते भी अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्मी भ्याम अतिलक्ष्मी भ्याः अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्म्योः उसमें यण हो जाएगा और अतिलक्ष्मी नाम अतिलक्ष्मी नाम इत्यत्र रत्वं भवति नवा, अतिलक्ष्मी अग्रे नाम यहाँ पर रत्व होगा कि नहीं होगा, कस संयोगे क्ष रेफ और मूर्धन्य षकार से परे जो नकार उसको नकार हो जाता है, इसलिए अतिलक्ष्मी नाम यहाँ पर मूर्धन्य षकार है उससे परे नकार होने के कारण रत्व हो जाएगा अतिलक्ष्मी नाम। और सप्तमी के एक वचन में अतिलक्ष्म्याम नेराम नद्याम निभ्य से आम होकर के अतिलक्ष्म्याम के अतिलक्ष्म्यौ, तो यहां अतिलक्ष्म्याम नदी संज्ञा हो जाती है नित विभक्ति परे होने के कारण आठ का आगम हो जाएगा और आठ से वृद्धि होकर के आम बन जाएगा, नेराम नद्याम निभ्य से नदी संज्ञक से परे जो नी उसको आम होता है, स्पष्ट उसका अर्थ है, कहीं कोई संदेह नहीं है, संदेह को दूर करते हुए हमें पढ़ना है।
अतिलक्ष्म्याम, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीषु, और संबुद्धि के किशन में हे अतिलक्ष्मी अमार्थ नद्यो ह्रस्वः से ह्रस्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अब इस अतिलक्ष्मी रूप शब्द के रूप अच्छी तरह से चला लिए, बना लिए, समझ लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके एक बार रूप हम फिर एक बार आपको सुना देते हैं। अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्मीनि, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभिः, अतिलक्ष्म्यै, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्मीनाम्, अतिलक्ष्म्याम्, अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्मीषु, हे अतिलक्ष्म, हे अतिलक्ष्म्यो, हे अतिलक्ष्म्याः। इस तरह से हमने गुरु जी, आप जैसे नत्तों का चर्चा किया तो लक्ष्मीसु में आदेश प्रत्यय करके वो जो सु ख होगा, खत होगा, ये भी तो ये स्मरण करना है बिल्कुल। अतिलक्ष्मीषु में आदेश प्रत्यय से खत्व होगा, जैसे बहुश्री शिशु में करते हैं ये स्थिति, क्योंकि आदेश का अवयव अथवा प्रत्यय का अवयव जो सकार, उसको मूर्धन्य सकार करना है, इण से परे हो, तो यहाँ इण से परे है, अतः ये बिल्कुल हमने अतिलक्ष्मी शब्द अच्छी तरह से समझ लिया और इसके रूप भी चला लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रयोग आ रहा है सिद्धांत कौमुदी में। कुमारीम इच्छन, कुमारीम युवाचरन वा ब्राह्मणः कुमारी, ऐसा पंक्ति ही लिखिता वर्तते। अग्रे ग्रंथकारा लिखति कि किजन्तात् आचार कुवन्तात् वा कर्तरि क्विप, इदानीं ऐसा पंक्ति सम्यक् ज्ञातव्या। अत्र प्रकारद्वयं वर्तते कुमारी शब्दस्य सिद्ध्यर्थं, प्रकारद्वयं ग्रंथकारः समक्षम् आनयति। तत्र प्रथमः प्रकारः वर्तते आत्मनः कुमारीं इच्छन्, आत्मनः कुमारीं इच्छन्। इस अर्थ में आप सुपः आत्मनः क्यच सूत्र से केच प्रत्यय करिए, तो आत्मनः कुमारीं इच्छन्, इस अर्थ में आपने सुपः आत्मनः केच से केच प्रत्यय किया, तो कुमारी अम और केच ऐसी स्थिति बन गई, कुमारी अम केच। अब यहां पर इसकी सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा हो गई, और सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने पर केच में से चकित संज्ञा और कौकित संज्ञा यह बचता है, और उधर शुपो धातु प्रातिपदिकों से अम का लुप हो जाता है, तो कुमारीय बनता है। क्या प्रयोग बनता है? कुमारीय। अब इस कुमारीय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने के कारण कर्ता अर्थ में कुप प्रत्यय करिए, कुप च सूत्र से द्वारा कृदंत में आ जाइए। अब सनाद्यंत बनाने के बाद कुमारी यह अकारांत सनाद्यंत धातु हो गई, इस अकारांत सनाद्यंत धातु से कृदंत का कुप प्रत्यय किया कुप च सूत्र के द्वारा, और उस कुप का कर देते हैं सर्वापहार लोप। ध्यान देना, यहां पर क्विप का सर्वापहार लोप का अर्थ तो आप जानते होंगे, सर्वापहार लोप का मतलब है क्विप में कुछ भी नहीं बचना है, क्योंकि तो लशकुत से संज्ञा हो जाती है, क्योंकि हलंत्यम से हो जाती है, वी में जो ई है वह उच्चारणार्थक है, अतः बगर इत्संज्ञा बिना उच्चारणार्थ से निवृत्ति ही, और वह बचता है, उस वह का भी लोप हो जाता है
एक सूत्र है वेर प्रकृतस्य से अप्रकृत संज्ञक जो हुआ उसका लोप होता है और कृप प्रत्यय के परे रहते जो सर्वापहारी लोप कहते हैं कृप में से कुछ बचता नहीं है सर्वापहारी लोप होता है उससे पहले जैसे ही आपने कुमारीय अग्रे कृप किया ऐसी स्थिति में यहां पर अतोलोप सूत्र लगता है। अतोलोप सूत्र के द्वारा कुमारीय में यकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप होता है पहले और उधर गुरु जी एक कुमारी के ऊपर मान लीजिए पहले कच लगे उसका बाद कीप लगेगा। हाँ बिल्कुल ना ना कोच लगाने के बाद ही तो मान लीजिए उस पद सिद्ध हो जाएगा नहीं होगा क्या बनेगा ना ना तो कुमारी तो उसका बाद भी बेरा प्रत्यय से लग के मान लीजिए तो लोक को कुमारी तो हो जाएगा तो देखिए हाँ यही बात समझने की है कि यहाँ पर जैसे केच प्रत्यय किया कुमारी यह सनातन धातु है धातु से सूत्पत्ति हो नहीं सकती तब तो लोप बरबली से तो हो जाएगा तो लोप बरबली से तो हो जाएगा तो कुमारी को हो जाएगा। अब और दूसरा जो कुमारी आचरण तब मान लीजिए कीप करिए और जो इच्छन जो है वो कच्छ सुपर आत्मा न कच्छ और ये मान लीजिए यही तो मेरा ख्याल यही सो लगता है। हाँ नहीं नहीं कच्छ में भी आपको कीप प्रत्यय तो करना ही है क्योंकि कच्छ प्रत्यय करने के बाद अकारांत यह धातु है सनादिनता धातु से यहाँ पर धातु संज्ञा होती है तो ये अकारांत धातु है। मेरा कहना था किबंध ही रहेगा तो कचखंड की जरूरत भी क्या था नहीं, करने की जरूरत इसलिए है कि सूत्पत्ति करनी है हमको कुमारी शब्द ठीक है तब की करने की जरूरत नहीं क्या है क्योंकि मान लीजिए तब तो हम लोग तो लोगों को बलि से तो जो कर लोग कर देगा तो हो जाएगा लोग करना हमारा प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा धातुत्व को हटाना है अच्छा कृदंतत्व लाना है कृदंतत्व लाना हमारा जरूरी है कृदंतत्व जब तक नहीं आएगा तब तक प्रातिपदिकत्व नहीं आएगा और प्रातिपदिकत्व नहीं आएगा सूत्पत्ति होगी नहीं। हमारा मूल उद्देश्य है प्रातिपदिक बनाना। आपने तो किच प्रत्यय करके उसको तो उसमें धातुत्व बना लिया धातु की तो प्रात संज्ञा होनी नहीं है। दरअसल क्या है कि केच प्रत्यय करने के बाद भी क्विप प्रत्यय तो लाना पड़ेगा नहीं लाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा आपने बीच में अपना संदेह रखा और इससे हमारी कक्षा पूरी अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि यहाँ दिक्कत क्या है। कल मैं ऐसे ही आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता सुनाता गया अपना अपना अभिप्राय सुना रहा था पर मैं समझ रहा था कि आज हम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम हो गया है। पर आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कुमारीय यह सनादिनता धातव से अकारांत धातु हो गई। अब धातु से धातुओं को अधिकार करके कृदतिंग क्विप प्रत्यय करेंगे हम क्विप प्रत्यय नहीं करेंगे तो इसमें धातुत्व बने रहने के कारण प्रातिपदिकत्व नहीं आएगा। प्रातिपदिकत्व कब आएगा जब उसको हम कृदंत बनाएंगे तो सुबंध ना लगे तीवंत लग जाएगा। हाँ ये बात तो हमें सूत्पत्ति करनी है हमें इसको सुबंत बनाना है तो सुबंत बनाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो ग्रंथकार का ये विज्ञान अन्यत्र काशिकादि ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती इतनी कसरत। यह कसरत केवल सिद्धांत गोंदी का ही आनंद है। यह संपूर्ण जो है ऐसे प्रयोग बहुत सारे मिलते हैं इनसे एक भी इकारांत शब्द छूटेगा नहीं और इससे अतिरिक्त कहीं इकारांत होते नहीं। अब तो यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सनातनता धातु से धातु संज्ञा करके तो इसको धातु बना चुके हैं। अब ये धातु से हम कृदंत का प्रत्यय तो ला सकते हैं क्विप प्रत्यय तो ला सकते हैं और ये क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय लाओ तो भी कोई रूप नहीं बन। अब यहाँ अकारांत कुमारीय यह अकारांत धातु है अब क्विप प्रत्यय पर में है क्विप प्रत्यय परे रहते अब अतोलोप सूत्र लगाएंगे। अतोलोप सूत्र के द्वारा कुमारीय में य में जो अ है उसका लोप कर लेंगे यह हल हो जाएगा और उधर क्विप प्रत्यय में है क्या है
कौकित संज्ञा हो गई, ककित संज्ञा हो गई, वह पर में है तो वल पर में मिल जाएगा, तो य का लोप कर देंगे लोपो व्युर्बल से, तो कुमारी और व, और व में ई है, क्विप में जो ई है वो उच्चारणार्थक है, उच्चारणार्थकानाम वर्णानाम इत्संज्ञाम विनैव निवृत्ति ही, अतः वो तो ई तो भाग जाएगा ऐसे ही, अब वह बचेगा उसकी एकाल अपृक्त, एकाल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा हो जाएगी, और अपृक्त संज्ञा होने पर वेरप्रक्तस्य सूत्र के द्वारा वह का लोप कर देंगे। अब क्या बचा, अब क्या बचा, कुमारी। इस तरह से हमने कहा था कि कुमारी शब्द दो प्रकार से बनाया जा सकता है, एक तो हमने केच प्रत्यय करके, कुप प्रत्यय करके हमने कुमारी शब्द कृदंत बना लिया, अब इसकी कुमारी की प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सूत्रपत्ति में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे अर्थ क्या रहेगा, अर्थ कौन सा रहेगा, तो वही ये जो क्विप प्रत्यय हुआ है वो कर्ता अर्थ में हुआ है, कुमारी मिच्छन, कुमारी, कुमारी की इच्छा करता हुआ कश्चित पुरुष विशेषः, यहां कुमारी का अर्थ यहां कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी नहीं है, कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी वयसी प्रथमे से भी गीस प्रत्यय करके, वयसी प्रथमे से गीस प्रत्यय करके कुमारी शब्द को इकारांत स्त्रीलिंग मत समझ लेना, अपितु ये पुल्लिंग इकारांत आपका वैदुष्य सामने आएगा। ओम गुरुजी, अच्छी कविता इस प्रकार के शब्दों के गूढ़ रहस्यों से भरपूर रहती है, तो उसका एक आनंद ही अलग है, नैषधम विद्युदौषधम, वो एक अलग ही आनंद की बात होती है, पर हमें पहले कुमारी शब्द के स्वरूप को अवश्य समझना होगा। ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, आप इना भी बीच में जो वैसी प्रथमे का जो प्रसंग आया था उसके बाद आपकी आवाज रुक गई थी, तो उसके बाद फिर से बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि कुमारी शब्द यह जो स्त्री प्रत्यांत है वह कैसे बनता है, तो वहां कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी वयसी प्रथमे से नीप प्रत्यय हो जाता है, नीस प्रत्यय हो जाता है, तो वह कुमारी शब्द जो है अलग बनता है, प्रथमे वयसी प्रथमे, तो प्रथम वयोवाची होने के कारण वह स्त्री प्रत्यय एक सूत्र है वयसी प्रथमे, उससे नी प्रत्यय होकर के किशोरी, किशोरत्व वयो विशिष्टा स्त्री किशोरी, कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी, इस तरह से रूप बहुत सारे बनते हैं। अस्तु जाने दो, प्रसंगांतर हो जाएगा, अब यहाँ मूल प्रसंग चल रहा है, हम आपको कुमारी शब्द को तीन तीन प्रकार से उत्पन्न 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 करके दिखा रहे हैं। तो पहले तो हमने केजंत से कुछ प्रत्यय करके कुमारी शब्द बनाया, अब हम क्या करेंगे, आचार कुविंताद वा कर्तरी कुमारी मिच्छन कुमारी वाचरण, पंक्ति देखिए, सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति लिखी है, उसको भी पढ़ते जाइए, कुमारी में वह आचरती, क्या कुमारी में वह आचरण कश्चित पुरुषः। अब यहां आचारार्थ में केच प्रत्यय करेंगे, पहले तो सुपः आत्मना केच से इच्छार्थक केच था, अब हमने आचरणार्थक केच प्रत्यय कर लिया केच इच, अब केच प्रत्यय कर लेने से क्या होगा, यह फिर केजंत बन जाएगा, और इस केजंत से फिर हम क्विप प्रत्यय कर लेंगे, तो भी हमारा वही रूप बनेगा,
कुमारी। तो दो प्रकार का कुमारी शब्द बना लिया, अर्थ दो हैं। गुरु जी इसमें तो कुमारी सु की ऐसा लगेगा, फिर कच नहीं है, कच तो कच पहले तो हो गया, अभी लगेगा कुमारी सुकी। नहीं 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 कुमारी कुमारी आचरण कुमारी सु की ऐसा होगा ना, आप विग्रह कर रहे हैं ना, कुमारी इव आचरण, तो कुमारी में कर्मत्व ला रहे हैं ना आप, कुमारी पदोत्तर हम विभक्ति लाएंगे यहाँ पर भी मैं सु। हाँ हाँ सु आत्मनः कुमारीम इच्छति वहां पर भी हम लाए थे, अब यहाँ कुमारीम इव आचरति यहाँ पर भी हम लाएंगे, सु नहीं लाएंगे, सु नहीं है यहाँ पर, और अर्थ अंतर है, केवल अर्थांतर है, वहां इच्छार्थक है यहाँ आचरणार्थक है, बस इतना अंतर है, और सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, तो दो अर्थों में हमने कुमारी शब्द बनाया, और उधर तीसरा अर्थ वो स्त्रीलिंग वाला वो यहाँ है नहीं, क्योंकि अयंत पुल्लिंग चल रहा है, कुमारी शब्द जो वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी वो तीसरा अर्थ में जो कुमारी शब्द बनाते हैं वो यहाँ अभीष्ट नहीं है ग्रंथकार को, वो तो चूंकि कुमारी शब्द और किस तरह से बन सकता है इसलिए तीसरा प्रकार हमने आपको प्रसंग वसात ला करके बता दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रकरण तो अयंत पुल्लिंग शब्दों का चल रहा है, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रकरण नहीं है। अस्तु कुमारी शब्द अंततो गत्वा ईकारांतः पुल्लिंगः संपन्नः, अयम शब्दः ईकारांतः पुल्लिंगः कुमारी शब्दः वर्तते दीर्घ ईकारांतः। इतोपि तु विभक्तिः आयास्यति कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं प्रातिपदिकत्वात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यनेन सूत्रेण सुप्रत्यये कृते सति कुमारी सु। अत्र किं भविष्यति, तो कहा अत्र सुलोपः भविष्यति केन सूत्रेण, तो कहा हल्ङ्यादि सूत्रेण, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्यम हल, कहते हैं कि कैसे आप सु का लोप कर दोगे, कहते हैं नीप प्रत्यांत है ये कुमारी शब्द, नीप यहां पर भाई आपने जब विग्रह किया था तो कुमारीम इच्छन वहां जो कुमारी शब्द था वो स्त्रीलिंग था, आत्मनः कुमारीम इच्छन या कुमारीम इव आचरण वहां पर जो कुमारी पदोत्तर जो अम विभक्ति आई थी वह कुमारी पद कुमारी शब्दोत्तर जो अम विभक्ति आई थी वह जो कुमारी शब्द था वह स्त्रीलिंग था, ये बात ध्यान में रखना, अर्थात वैसी प्रथमे से वहां नीप प्रत्यय होकर के ही कुमारी शब्द लाए थे, और उसी कुमारीम इव आचरण और उस कुमारीम एव इच्छन आत्मनः कुमारीम एव इच्छन, तो वहां पर कुमारी शब्द नीश प्रत्यांत था, वैसी प्रथमे से नीश प्रत्यय करके कुमारी शब्द बनाया हुआ था। अब आप मजे की बात देखो, तब तो गुरु जी इधर तो गोष्ठी रूपसर्जन लगेगा कि नहीं लगेगा, गोष्ठी उपसर्जन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उपसर्जन नहीं है, यहाँ कोई समास ही नहीं हुआ है, उपसर्जन है नहीं। गुरुदेव ये कह रहे थे कि हाँ। इसमें तो क्वी प्रत्यय हुआ है तो इसको लधि समासास्त्र से होना चाहिए, क्या प्रातिपदिकता से क्यों प्रत्यय, जब क्वी प्रत्यय किए हैं हम तो लधित समासास्त्र से होना चाहिए, क्या प्रातिपदिकता से क्यों होगा। नहीं नहीं हाँ ठीक है, कृतधि समासास्त्र से प्रतिसंज्ञा तो उसी से होगी ना, ज्ञा प्रातिपदिकता से सूत्रपत्ति की बात करता है जी, इधर भी इधर कृत्रिमा कृत्रिमा का न्याय नहीं लगेगा, इधर क्या जरूरत है। अब यहाँ पर लेकिन हाँ पुरुष पुलिंग में तो कुमारी शब्द का कहीं प्रयोग देखा नहीं जाता है पर ये देखो नवी वैयाकरण लोग बनाते हैं
कहीं कुमारी सब किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए तो वो तो कहेगा कि पगला गया है। साहित्यिक लोगों के पास चले जाओगे तो वो कहेंगे वाह क्या गजब के आप जो क्या व्यक्ति हैं, कुमारी शब्द भी कोई पुल्लिंग में होता है क्या? वो तो यही कहेंगे उन्हें। जैसे माता पुल्लिंग हो सकता है, कुमारी क्यों नहीं हो सकता? ये तो खैर हम अपनी तर्क कर सकते हैं। दरअसल क्या है, इसीलिए साहित्यिक लोग सुकुमार मति होते हैं, उनको इतनी कठोर बुद्धि होती नहीं है, इतनी क्लिष्ट ज्ञान, इतना आंतः। हम लोग तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दें, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दें, हम लोगों को दिक्कत नहीं लगती है। हम लोग तो इस विद्या में पारंगत होते हैं, अभ्यस्त होते हैं और सुने हुए होते हैं, गुरु परंपरा से सुना हुआ विषय है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो तुरंत एकदम अपनी बुद्धि को दौड़ा करके हम ऐसा कर लेते हैं। इसीलिए तो कहा है ना कि उसती सुवासा, महाभाष्यकार कहते हैं वांग नो विवृणयाद आत्मानम इत्यध्ययम व्याकरणम। महाभाष्यकार व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन बताते समय ये कहते हैं कि वाणी हमारा वर्ण करे, वाचस्पति कहा जाता है व्याकरण को। व्याकरण का एक और पर्यायवाची शब्द है वाचस्पति ही। अब वो वाणी को, साहित्यिक लोग तो वाणी को अपनी माँ मानते हैं और हम, हमको वो माँ का पति बनाना उनको थोड़ा सा मुश्किल है, संभव नहीं है। बाप माने माँ का पति तो बाप होता है ना, पिता होता है, तो व्याकरण जो है पिता हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी उनके सामने। वो तो उसकी पूजा करते हैं, पूजा तो हम भी करते हैं, पर वांगनो विवृणयाद आत्मानम इत्यध्ययम व्याकरणम, ये जो महाभाष्यकार आनुषंगिक प्रयोजनों में बताते समय ये चर्चा करते हैं वाणी की कि वाचस्पति आप बने, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि व्याकरण क्या है कि उसके अंग प्रत्यंग सर्वांगों को देखता है। ये कुमारी शब्द में और क्या कल्पना हो सकती है। अस्तु, विषयांतर हो जाएगा, हम विषयांतर में नहीं जाना चाहते। आप यहां पर देखिए, कुमारी शब्द जब पुल्लिंग बन गया तो भी यहां पर सुलोप होगा प्रथमा के एक वचन में, हल्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रथम हल, इस सूत्र के द्वारा सु का लोप होगा। क्यों होगा? क्योंकि बचता बाद में वही वर्ष प्रथमे से जो नीच प्रत्यय होता है वही ई ही बचता है, तो दीर्घ नियंत मिल जाएगा, उससे परे सु है तो उसका लुप हो जाएगा। तो कुमारी प्रथमिक वचन में यह कुमारी शब्द बना। अब अव्यक्ति लाते हैं, कुमारी शब्द से अव्यक्ति लाएंगे तो कुमारी अग्रे अव, यहां पर वही पूरी स्थितियां घुमाना। अब उपविणची से यण प्राप्त है, उसको प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्र के द्वारा बाध किया जाता है, बाध किया जाने लगता है, तभी दीर्घा जिश्च सूत्र आ जाता है और वह प्रथमेव पुरुषवर्ण कोई बाध नहीं लगता है, फिर उपविणची से यण होने लगता है, उस यण को रोकने के लिए सूत्र आ रहा है। ये इतनी प्रक्रिया आपको पूरी रखनी पड़ेगी। कुमारी शब्द से अव्यक्ति लाते समय ये ध्यान रखना है आपको कि कुमारी अग्रे अव इकोणिची तिनेण प्राप्नोति तम च वाधयितुं प्रथमे पुरुषवर्णः इति सूत्रेण पुरुष अत्र पुरुषवर्ण दीर्घः तम ऋणम बाधित्वा प्राप्नोति तम च पुरुषम दीर्घम दीर्घाजिश्चेति सूत्रम तस्य पुरुषवर्ण दीर्घस्य निषेधम करोति निषेधे कृते सति पुनः एकोणचित्तेन यणः एव प्रतिप्रसव अत्र भवति। यण का पुनः फिर से प्रसंग आता है, प्रतिप्रसव इसको कहते हैं, यण की फिर से प्राप्ति होती है, उस यण को रोकता है अग्रिम सूत्र। कौन? अचिष्णु धातुर भ्रुवाम युवोर यु। यह सूत्र जो है अब यहां प्रवृत्त होगा, कुमारी अग्रे औ,
तो यहां से सूत्र लगता है यण करता है, उस यण को बांध करके इस अचिष्ण धातु वाम युवर यू सूत्र से यंग की स्थिति आती है। पर इस यंग को भी एरने काच संयोग पूर्व से सूत्र बांध लेता है और फिर एरने काच संयोग पूर्व से सूत्र के द्वारा यहां पर यण हो जाता है, तब जाकर के कुमारयु बनता है। देखिए आप, ये व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपनाने से पुण्य पैदा होता है। ऐसे ही आप कुमारी शब्द से अव आया, यण हो गया, कुमारी बन गया, ऐसा कहकर के भी आगे बढ़ जाते हो। कल हम इसी तरह से जल्दबाजी में पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर यहां ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप अवश्य अपनाइए, इससे पुण्य पैदा होता है, साधुत्व आता है। प्रक्रिया के अनुसार चलने से ही ये शास्त्रीय प्रक्रिया है, शास्त्रीय प्रक्रिया को हमें समझना होगा। तो अब आप देखिए, यहां पर इकोणची सूत्र को बाद करके अचिष्ण धातु रुआम युवर युवो सूत्र यंग कैसे होता है, पहले इस सूत्र का अर्थ समझो। अचि इति सप्तम एक वचनांतम प्रथमं पदम स्नु धातु भ्रुवाम इति षष्ठी भोजनांतम द्वितीयं पदम तृतीयं पदम वर्तते योः इति षष्ठी द्विवचनांतम चतुर्थं पदम ईङ वङौ ईङ वङौ इति प्रथमा द्विवचनांतम आहत्य कति पदानि जातानि अचीति एकं पदं विष्णु धातु भ्रुवाम इति द्वितीयं पदं युवो इति तृतीयं पदं यं वंगो इति चतुर्थं पदं। कुल चार पद हैं और अंगस्य सूत्र के अधिकार में ये आता है, अंगस्य सूत्र के अधिकार में आता है। तो अंगस्य यह षष्ठ्यंत पांचवा पद और जोड़ लीजिए, अब इसका अर्थ हम निकालते हैं। देखिए, अचि तो सप्तमी का एक रचना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। स्नु धातु भ्रुवाम में समास है, स्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च एतेषां समाहारः इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो अचिष्णु धातु भ्रुव तेषां अचिष्णु धातु भ्रुवाम, इस तरह से हम यहां पर स्नु से यहां पर वही जो स्नु विकरण होता है धातुओं में, आपने स्नु विकरण देखा होगा, कर्तर शब अधिक प्रवृत्ति से लुक हो जाता है, ज्योत्यादि स्लु हो जाता है और स्वादिभ्य स्नु होता है, वही स्नु प्रत्यय है। तो स्नु प्रत्यय तो उकारांत है। अब आता है धातु शब्द, धातु शब्द जो है भूवादेव धातु से होने वाली धातु संज्ञा को लिया है और वह धातु संज्ञा से यहां पर धातु कैसा लेंगे, तो यहां धातु इवर्णांत या उवर्णांत ही लेंगे। यहां ये देखना है कि युवो यह जो पद है यहां पर भी समास हुआ है, इश्च उश्च इति यु तयो हो युवो हो युवो हो युवोगौ, ध्यान दो युवो में उद्देश्यत्व है और युवोगौ में विधेयत्व है। इकार और उकार को उद्देश्य करके यंग और उंग का विधान किया गया है और कब करता है तो आप ध्यान रखोगे अचि और प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है, अतः सप्तम्यंत में कार्यवशात विभक्तेर विवरणामः, तो अचि प्रत्यय परे ऐसा अर्थ निकलाएगा।
और यस्मिन विधिस्त तदादा बल ग्रहण से तदाद विधि करके अर्थ निकलाएगा अजादी प्रत्यय परे रहते, अजाद प्रत्यय परे युवो हो युवो हो, ऐसा अर्थ निकालो पहले, खंड से अर्थ निकालिए, ई और उ को यंग और उंग होता है, और यहां पर आप कल में चर्चा यथासंग मुनदेश समानाम की कर रहा था, ई और उ को यंग और उंग हो, हमारे उद्देश्य भी दो हैं और विधेय भी दो हैं, तो प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयं, उद्देश्य में प्रथम कौन आता है, ई आता है, विधेय में प्रथम कौन आता है, यंग आता है, अतः इकारस्य स्थाने यंग, और उद्देश्य में द्वितीय स्थान में द्वितीयस्य द्वितीयं, द्वितीय कौन है, उ, इश्च्य उश्चैति यु तयो युवो, तो जो उ है वो द्वितीय उद्देश्य है, और विधेय में दूसरा कौन है, वंग है, तो क्रमशः हो जाएगा ई के स्थान पर यंग और उ के स्थान पर वंग, शाबाद है। तो कयो हो युवो हो युव इति प्रश्नः, ऐसा प्रश्न करो मन में कि किन इकार और उकार को यंग और वंग होगा, कयो हो केसाम युवो हो युव, तब पाणिनि का हुआ जो अग्रिम पद है सूत्र का, श्नु धातु भ्रुवान युवो हो युव, स्नु धातु और भ्रु का जो इकार और उकार उसको यंग और उंग होता है, ऐसा हमने करना, ध्यान देना आप। अब यहां पर संभव्य विचाराभ्याम शायद विशेषण मर्थवत यह न्याय लगाना है, स्नु प्रत्यय और भ्रु शब्द तो उकारांत है, तो स्नु का जो उ या भ्रु का जो उ उसको उंग होता है, यहां तो कोई संदेह है नहीं, इसलिए संदेह होता है धातु पद पर, धातु इकारांत भी हो सकती है और उकारांत भी हो सकती है, इसलिए वो हो यह जो विशेषण बनेगा वो धातु का बनेगा, ध्यान देना आप। स्नु का उकार ऐसा कहने की क्या जरूरत है, स्नु में तो उकार है ही है, इकार वहां हो नहीं सकता, अतः इकार तो वहां वैसे नहीं जुड़ेगा, तो वो का जो अन्वय होगा वह धातु वो धातु का जो इकार उकार उसको यंग वंग होता है। अब आप देखिए समस्त पद है स्नु धातु भ्रुवम, इस समस्त पद के बीच में स्थित है धातु शब्द, उस बीच में से खींच लाएंगे हम, क्योंकि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेह लक्षणम, धातु पद को क्यों खींच के लाएंगे आप, और उसमें षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे और उस षष्ठी का अर्थ अवयव अर्थ कर देंगे, धातु का अवयव जो इकार धातु का अवयव जो उकार अर्थात इवर्णो इवर्णांत धातु और उवर्णांत धातु, ये इवर्णांत उवर्णांत अर्थ क्यों करेंगे, क्योंकि अंगस्य का अधिकार आ रहा है, अंगस्य का अधिकार आ रहा है, तो इवर्णांत उवर्णांत जो धातु तदंत जो अंग, ऐसा ऐसा अर्थ करते चले जाएंगे, तो युवो का अन्वय हम स्नु के साथ करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि न्याय है संभवभ्य विचाराभ्याम शाद विशेषण मर्थवत, युवो का अन्वय स्नु में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्नु में उकार तो पहले से है ही है, इकार है नहीं, अतः युवो का अन्वय स्नु के साथ नहीं लगा सकते, युवो का अन्वय आप भ्रू के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रू में भी पहले से उकार बैठा हुआ है, इकार हुआ है नहीं, अतः युवो का अन्वय सीधा हम धातु के साथ करेंगे, धातु का जो धातु हो युवो हो अर्थात इवर्णांत उवर्णांत जो धातु, इस तरह से
और उसको यंग और उंग होता है, यदि ऐसे करोगे तो समस्या खड़ी होगी। आप यथासंग की मंत्र से समानाम करके लगा तो ले जाओगे, पर समस्या ये खड़ी होगी कि भैया स्नु में जो उ है उसको उंग कैसे होगा, फिर भ्रू का जो उ है उसको उंग कैसे होगा। आपने यथासंग की परिभाषा को लगाने के लाघव से आपने ऐसा अर्थ तो कर लिया कि इवर्णांत जो धातु तदंत जो अंग उसको यंग होता है, इवर्णांत जो धातु उवर्णांत जो धातु तदंत जो अंग उसको उंग होता है। तो आपने अर्थ तो ऐसे कर लिया यथासंग मंत्र से समानाम के अनुसार, पर स्नु को भी उंग होता है, भ्रू को भी उंग होता है, ये अर्थ कैसे निकालोगे। अतः हम यहां पर यथासंग की परिभाषा नहीं लाएंगे, यंग उंग में हम यथासंग परिभाषा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, तो कहा आंतरतम या स्थानांतरतम परिभाषा लाएंगे, स्थानांतरतम परिभाषा लाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सूत्र का अर्थ क्या हुआ, अब आप पंक्ति पढ़ लीजिए, अचिष्णु धातु भ्रुवांग युवो सूत्र की वृत्ति पढ़ लीजिए, स्नु प्रत्यांतस्य अंगस्य युवर्णो वर्णांतस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य यंग वंगौ को अजादौ प्रत्यय परे, अर्थ निकल आया। अब यहां पर आप यथासंग मनुष्य से समानाम परिभाषा तो लगा नहीं सकते, तो स्थानांतरतम इसीलिए लिखा है, यंग और उंग में जो उंग की संज्ञा होती है ये इंगित है, यह संपूर्ण स्थानी के स्थान में न हो इसलिए निच्च सूत्र लगेगा, निच्च परिभाषा लगेगी। तो स्नु का जो उ उसके स्थान में उंग होगा, इवर्णांत जो धातु धातु का अंत में जो ई है उसको यंग होगा, उवर्णांत जो धातु उस धातु के अंत में जो उकार उसको उंग होगा, और भ्रू शब्द का जो उकार है उसको उंग होगा, आजादी प्रत्यय पर रहते निच्च सूत्र के बल पर। यदि निच्च यंग में नित नहीं करते तो अनेकाल से सर्वस्य आ जाता, क्योंकि यंग में ई अभी जो का अनेकाल हो जाएगा तो संपूर्ण अंग को ही, क्योंकि अंगस्य का अधिकार आ रहा है तो संपूर्ण अंग को यंग होने लगेगा, इसलिए यंग को नित किया गया ताकि निच्च सूत्र लग करके अंतिम अल को ही हो, निद अनेकालोपि अंत्यस्य एव अस्तु। अब हमने देखिए यहां पर आगे पंक्ति लिखी है, आंतरतम्या देर यंग और वंग, हमारे उद्देश्य दो प्रकार के बने, इकारांत और उकारांत, चाहे वो धातु हो चाहे स्नु हो चाहे भ्रू शब्द हो। अतः हम स्थासंग मंत्र से समानाम को न लगा करके, क्योंकि स्थासंग मंत्र से समानाम से हमारे चार उद्देश्य हो जाएंगे, एक तो स्नु हो गया, दूसरा इकारांत धातु हो गया, तीसरा उकारांत धातु हो गया, चौथा भ्रू शब्द हो गया। इन चारों के स्थान पर दो कैसे, दो दो आदेश हैं तो ये कैसे होंगे, यहाँ पर यथासंग मंत्र से समानाम सूत्र तो लग नहीं सकता, तो क्या करें। तो कहा स्थानांतरतम है ना, आंतरतम्यात एर यंग और वंग, ई को यंग हो जाएगा क्योंकि ई का स्थान तालु है, वर्णांत जो होंगे उनको यंग हो जाएगा, और जो वर्णांत है क्योंकि ऊ का स्थान ओष्ठ है इसलिए उंग हो जाएगा। इस तरह से ये व्यवस्था बना करके अब हम कुमारी शब्द है अव्यक्ति लेके आए हुए हैं, और हमने यह सूत्र लगा लिया है इकोणची यहाँ यण करने जा रहा है, तभी यह सूत्र अचस्म धातु सूत्र आ जाता है और यह कहता है कि हम यहाँ यंग करेंगे। क्या करेंगे, यंग करेंगे, इकोणची को बाद लेगा यह सूत्र, ये ध्यान रखना, ये बाद्य बाधक भाव यहाँ पर है, 6477 का है सूत्र, इकोणची भी छठवें अध्याय का है पर वह सामान्य सूत्र है, अच परे रहते करता है और ये आजादी प्रत्यय परे रहते करता है, विशेष होने के कारण केवल इसको अच परे नहीं अभी तो
अजादी प्रत्यय परे होने चाहिए, इसलिए यह सूत्र आएगा और इगोडिची को बाद करके इयं करने लगेगा। इति यंगी प्राप्ते, ग्रंथकार लिखते हैं इति यंगी प्राप्ते। अब ऐसी स्थिति में अब सूत्र आता है एरने काचो संयोग पूर्वस्य। यह सूत्र हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है और ज्यादा हिच पिच हम करना नहीं चाहते।